नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इन्वर्टर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बता रही है पूरा मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र नगला बरी चौराहा फेरी मैरिज होम के पास का है। दुकान मालिक, वकील, पुत्र कफील कहीं दूसरी जगह इन्वर्टर ठीक करने के लिए गए थे। वहीं उनकी गैर मौजूदगी में इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग इतनी बढ़ गई कि उसने विकराल रूप ले लिया। दुकान का सभी सामान जलकर राख हो गया। बता दें ये घटना लगभग 2:30 बजे की है, जब दुकान स्वामी अपनी दुकान पर नहीं था, किसी की कंप्लेंट पर उसका इन्वर्टर ठीक करने के लिए गए थे। उस समय ये घटना घटी। दुकान मालिक का कहना है कि लगभग 6 लाख के आसपास दुकान का नुकसान हो चुका है। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मामले की पड़ताल के लिए सदर विधायक मनीष असीजा व SDM सदर मौके पर मौजूद रहे। देखें ये खास रिपोर्ट मकबूलुद्दीन के साथ। क्या नाम है आपको? वकील अहमद। ये कौन सा एरिया, क्या घटना हुई है? ये एरिया बरी के नगला साठपटा रोड फेरी मैरिज होम के पास का एरिया है, और मेरी बैटरी इन्वर्टर और बिजली के सामान की दुकान है। और मैं कंप्लेन करने के लिए बाहर गया हुआ था, तो बैटरी में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लग गई। और जब मैं आया तो करीब जो है बहुत तेज़ आग लगी हुई थी, और करीब 6 लाख रुपये आसपास नुकसान हो गया होगा। कितने बजे घटना आई? ये अभी 2:30 बजे की घटना है। आपको मालूम कैसे पड़ा गया? मैं मेरे पास फ़ोन आया था, तब मैंने आकर देखा तो पूरी दुकान जलकर आग हो चुकी थी।